बाल्की यूट्रस क्या होता है? बाल्की यूट्रस में क्या होता है? बच्चादानी का साइज बड़ा हो जाता है थोड़ा। यूजुअली बाल्की यूट्रस क्या होता है? नॉर्मली जो जिसको प्रेगनेंसी हुआ है, जिसको बच्चा है, पहले डिलीवरी हुआ, उनका यूट्रस नॉर्मली साइज बड़ा होता है। सो जब अल्ट्रासाउंड किया जाता पेशेंट को लोग तो हम लोग के पास आ जाता है, सर हमको बाल्की यूट्रस है, हम लोग को डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोला है, बच्चादानी हटाने के लिए बोला है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बाल्की यूट्रस जिसका बच्चा पहले है उसका नॉर्मली बाल्की यूट्रस होता है। सो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। सो आपको क्या करना है, जो बाल्की यूट्रस का साथ आपका उस दूसरा कोई प्रॉब्लम हो के ना वो देखना चाहिए। जैसे आप देखिए बाल्की यूट्रस का साथ आपके एंडोमेट्रियल थिकनेस, मतलब एंडोमेट्रियल अंदर का जो थिकनेस है ये ज़्यादा है, एंडोमेट्रियल जहाँ से महीना होता है ये ज़्यादा है थिकनेस, और उसका साथ कोई फाइब्रॉइड कोई गांठ है यूट्रस में, वो बाल्की यूट्रस का साथ आपके एडेनोमायोसिस है, तो इसका साथ कोई दूसरा कुछ प्रॉब्लम है तो आपको सोचना पड़ेगा। नहीं तो बाल्की यूट्रस ओनली आपको बाल्की यूट्रस है, इसके लिए चिंता मत कीजिए, इसके लिए कोई ऑपरेशन का जरूरत नहीं है। उसका साथ दूसरा कोई एसोसिएट पैथोलॉजी है, बाल्की यूट्रस जैसे एंडोमेट्रियल कोई पैथोलॉजी है, कोई एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया है, कोई दूसरे एडेनोमायोसिस है जिसके लिए आपको पेन हो रहा है बाल्की यूट्रस के साथ, आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तब आपको सोचना चाहिए बाल्की यूट्रस। इसके लिए आप डरिए मत, आप डॉक्टर डॉक्टर को आपका गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, सलाह कीजिए, तो आपको कोई ज़रूरत है कि नहीं, तब आपको पता चलेगा। सो आपको कोई एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपको आ गया बाल्की यूट्रस विथ इन थिकेंड एंडोमेट्रियम, आप चिंता मत कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर शंकर दास महापात्र, मैं 25 साल से कलकत्ता में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने भागीरथी नेमाडे हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चाइल्ड केयर सेंटर निडाउन से जुड़ा हुआ हूँ।